सबसे पहले तो आज आपने यहाँ पे बुक लॉन्च किया, क्या कहना भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और डॉक्टर विवेक सर हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर किताब लिखी है और कॉमर्स के ऊपर किताब लिखी है, तो मैं वही बच्चों से बात कर रहा था, उनको जनरल मैसेज दे रहा था कि सेलिब्रिटी फॉर मी पीपल हु सेलिब्रेट द लाइफ एवरी डे। सो अगर हम अपने आप को, सब लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी रहती है लाइफ खुद जीनी। तो मैं तो शुरू से अपने आप को सेलिब्रिटी समझता रहा, खुद अपनी ज़िंदगी रोज़ बहुत मस्ती से जीता हूँ, आज भी और पहले भी जीता रहा। So, वही सब बच्चों से बातें कर रहा था। And how does it feel to be called the Michael Jackson of India? सही है, माइकल जैक्सन तो बहुत बड़े लेजेंड थे। मैं अभी बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ हिंदुस्तान से, मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं। तो जब ये पहले मैं बड़े बड़े सपने देखता रहा तब भी लोग कहते रहे ये पागल है, आज भी बड़े बड़े सपने देखता हूँ तब भी लोग कहते हैं पागल है, ज्यादा उड़ रहा है, जो भी है। तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, मैं लगा हुआ भाई। हनी पाजी, एक रूमर फैल रहा है बॉलीवुड में कि आप अगर किसी भी मूवी में गाना गाएंगे तो आपका एक क्राइटेरिया है कि उस पर्टिकुलर गाने के म्यूजिक वीडियो में आपको ही एक्ट करना है, वरना आप गाने नहीं गाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बात बॉलीवुड में बहुत लिमिटेड लोगों को ही गाने देता हूँ, और क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक करता हूँ ज़्यादातर। मैं बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और राइटर्स के लिए भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड, मेरी गानों को लेकर बहुत लिमिटेड चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा काम करना है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपको वीडियो में लेना है, मैं तो किसी को भी नहीं कहता कुछ। भाई ब्लू आइज़ वायरल होते जा रहे हैं, हर जगह पे वायरल हो गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया न्यूयॉर्क में? भाई मुझे टाइम नहीं लगा, जो न्यूयॉर्क में आपने ये सवाल पहले भी पूछा था, आप बड़े नाराज लग रहे हो। मैं न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इन जर्नल न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ पे जिस दिन ब्लू आइज लॉन्च हुआ तो इन जर्नल वहाँ पे सारा मीडिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त मिला नहीं। मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोगों को आप अपने आप ही प्रमोट कर देते हो मुझे सब कुछ। लेकिन पाजी ऐसा भी होता है कि मीडिया आपके लिए खड़ी रहती है हमेशा, लेकिन आपको शायद टाइम नहीं, भाई, नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोगों के कैमरे हिल जाएंगे तो फिर मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी खड़ा कर लूँ। भाई वो भागा दौड़ी में निकल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद जानबूझ के नहीं करता। कॉन्सर्ट में तो यही होता है, यहाँ पे तो शुक्र करो ये लॉन्च थी तो यहाँ पे आराम से आज बातचीत हो पा रही है। कॉन्सर्ट में तो आपको पता ही, आप कितनी बार आए हैं कॉन्सर्ट में, तो मेरे को खुद नहीं पता था, मैं कुछ पहन के आता हूँ और वापस कहाँ क्या छूट जाता, कभी घड़ी छूट जाती, कभी कुछ छूट जाता। मैं भी सीधा फ्लाइट से आया भाई, जितना टाइम लगा आने में। अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ आई थिंक किसी कॉलेज में मैं आया, मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे कॉलेज में करी हैं, तो जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ लोग ऑनर कर देते हैं, लेकिन ये स्पेशली एक जो किताब थी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, और एज ए यूथ आइकन जो ये सब समझते हैं और अच्छी बातें समझते हैं, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया।